नमस्कार साथियों, अभी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 1 अगस्त 2022 की नोटिस है और आज 1 अगस्त 2022 भी है भी और आज मंडे है। अभी लेटेस्ट में यूपी ट्रिपल एससी ने एक नोटिस जारी किया है। नोटिस में क्या लिखा है कि आयोग ने अपना विज्ञापन संख्या दिया हुआ है यहाँ पर लेखपाल के रिक्त पदों के लिए। राजस्व लेखपाल की बात की गई है और 31 जुलाई को आयोजित की गई परीक्षा है। यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं, वो आपत्ति दर्ज करने का मैटर है। आंसर की तो उम्मीद करते हैं सबके पास आ गया होगा, सबने अपना मिला भी लिया होगा। जिसको आंसर की न मिली हो, वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर लिंक दी हुई है, वहाँ से आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए लिखा क्या हुआ है। उपर्युक्त क्रम में प्रश्नगत परीक्षा संबंधित समस्त विद्यार्थियों द्वारा सूचित किया जाता है कि वेबसाइट upsc.gov.in पर उत्तर कुंजी देखने और आपत्ति दर्ज करने संबंधी यूआरएल का मतलब है कि ये आपकी वेबसाइट है, इसको आप कॉपी पेस्ट करिए, ले जाके सर्च करिए और आपको एक पेज खुल के मिलेगा। वहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दोनों दर्ज कर सकते हैं, दर्ज करके लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद क्या कहा गया है यहाँ पर, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर में यह है कि अभिलेखित साक्ष्य सहित ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि जहाँ से आपको लगता है क्वेश्चन गलत है, तो आप एक साक्ष्य प्रस्तुत करिए जिसके आधार पर आप कह रहे हैं। कोई आपके पास जेन्युइन कंटेंट हो या फिर ऑथराइज्ड कंटेंट हो, बुक हो, जहाँ से आपने सोर्स को कॉपी किया है, सोर्स के लिए आपने देखा है कि इस वजह से प्रश्न गलत है, उसको आप ऑनलाइन ही दर्ज कर सकते हैं। केवल यहाँ देखिए, डाक से प्रत्यावेदन द्वारा उत्तर कुंजी के संबंध में दी गई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाए, केवल ऑनलाइन। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन इसको दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि 8 अगस्त 2022 है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करते हैं आप तक पहुंच गई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी साथियों के साथ, सभी लेखपाल साथियों के साथ जिनको लगता है क्वेश्चन गलत हुआ है, 1-2 क्वेश्चन उनका एग्जाम रुक रहा है, उनको लगता है कि आपत्ति करनी चाहिए, वो ज़रूर आपत्ति करें। आपत्ति करने की डेट है 7 अगस्त, 7 अगस्त के पहले पहले उनको आपत्ति करना है और ऑनलाइन उनको भेजना है। और सबसे बड़ी बात है, डायरेक्ट आप आपत्ति नहीं कर सकते कि क्वेश्चन नंबर 10 में गलत है, क्वेश्चन नंबर 20, ऐसा नहीं। आपको बकायदा एक साक्ष्य लाना पड़ेगा। साक्ष्य मतलब कि जिस बुक से आपने देखा हो कि इस बुक में लिखा हुआ है और गवर्नमेंट उसकी मान्यता भी देती हो, उस बुक के आधार पर आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो ये चैलेंज करने का तरीका है, वेबसाइट यहाँ पर लिखी हुई है या फिर UP SSC की वेबसाइट पर भी जाके कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में चैलेंज करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेंगे। 24 आवर के लिए हम अवेलेबल हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपकी हेल्प करने में कोई भी दिक्कत होगी, मुझे खुशी होगी अगर हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, ऐसी ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, घंटी के बटन को दबा के रखें। जैसे ही कोई अपडेट आएगी, लेटेस्ट अपडेट आएगी, हम तुरंत आपको इन्फॉर्म करेंगे, तुरंत आप तक जानकारी पहुँचाएंगे, किसी भी माध्यम से जानकारी पहुँचाएंगे। बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे तो जानकारी अपने आप आपके पास अप टू डेट पहुँचेगी। सब्सक्राइब करके रखेंगे तो कमेंट कर सकते हैं, अपनी आपत्ति पूछ सकते हैं, अपनी सहायता करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो महत्वपूर्ण टॉपिक था, ये हमको बताना था कि आपत्ति दर्ज करने के संबंध में जो नोटिस आई है, उस पर आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।